हेलो एवरीवन, तो आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं कह सकता हूँ बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज जो है आज वुमेंस डे है और वुमेंस डे पे मैं अपने साथ एक ऐसे पर्सनालिटी को लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए और हम सब के लिए एक प्रेरणा के प्रतीक है। मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ। तो एक कविता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे साथ जो हैं प्रेरणा मैम, तो जो प्रेरणा मैम है शी इज़ जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग कि लाइफ में कितने सारे आपके हर्डल्स आते हैं, कितनी सारी चीज़ें आप फेस करते हैं और आप फिर भी आप किस तरह से सक्सेस को लेके आ सकते हैं, तो मैम उसी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। हमारे पिछले एग्जामिनेशन में पिछले एक साल के अंदर काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, हर साल एग्जामिनेशन होते रहते हैं। जैसे टेक्निकल डोमेन में हमारे पास गेट एग्ज़ामिनेशन है, उसी तरीके से UGC नेट एग्ज़ामिनेशन है, फिर आपके रेलवेज़ के एग्ज़ामिनेशन निकलते हैं, टीचिंग के एग्ज़ामिनेशन में आपके PGT के एग्ज़ामिनेशन निकलते हैं। तो पिछले एक साल में ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ामिनेशन हुए हैं प्रेरणा मैम ने ज़्यादातर सभी एग्ज़ामिनेशन को क्लियर। मैं थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी क्या रही पिछले एक साल में, आपने कौन कौन से एग्जामिनेशन को लास्ट एक साल में अभी अटेम्प्ट किया था और किस किस तरह से आपने उनको। ओके सर, मैंने सबसे पहले पिछले साल में जुलाई 2018 में नेट दिया था। वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। देन उसके बाद अगेन आई ट्राइड फॉर JRF इन दिसंबर 2018 एंड CTET KVS PRT and KVS PGT. Okay. I have get result in KVS PGT positive, okay. KVS PRT positive, CTET also positive, but due to some mismanagement or due to some burden of in my family also, I lack JRF by one mark. तो जस्ट फॉर एवरी वन, मैं एक बार फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मैम ने पिछले एक साल में UGC नेट के अंदर जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF का एग्जामिनेशन होता है UGC नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ AP, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AP बोलते हैं, JRF इज़ फॉर PhDs। तो मैम ने लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया था UGC नेट के, अगेन दिस ईयर उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन क्लियर किया। उसके अलावा जो हमारे पास CTET एग्जामिनेशन होता है, तो मैम ने CTET एग्जामिनेशन को भी क्लियर किया। और अभी जो रिसेंटली हमारे पास KVS का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके अंदर तीन एग्जामिनेशन थे, KVS PRT TGT PGT और वाइस प्रिंसिपल। तो मैम ने जो PRT का फॉर्म फिल किया था, तो KVS PRT में भी इनका सिलेक्शन हुआ और उसके अलावा इनका सिलेक्शन KVS PGT के अंदर भी हुआ। और ये सभी इन्होंने एग्जामिनेशन दिए थे, ये सभी कंप्यूटर साइंस डोमेन से दिए थे, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर ही इन्होंने सभी एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। सो मैम, जैसे कि मैं जानता हूँ आपको, काफ़ी लंबे टाइम से मैं आपको जानता हूँ, तो काफ़ी जो हमारे जो देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, उन सबको एक मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैम है शी इज़ मैरिड और इनका एक छोटा सा बेबी भी है 5 साल का। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि इस समय आप स्टूडेंट लाइफ पर हैं, स्टूडेंट लाइफ में आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, लेकिन वही प्रिपरेशन अगर आप शादी के बाद करेंगे यानी कि आफ्टर मैरिज, तो वो प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमारे पास भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं और मैरिड शादी के साथ UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो आपकी PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैम ने वो सब किया है और वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली को संभालना, फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली में आपके बच्चे भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके हस्बैंड भी है, उसके अलावा आपको कॉलेज में भी पढ़ाना है मैम, आप एक कॉलेज में पढ़ा वर्किंग मैम एक वर्किंग एक कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं और साथ साथ में उन्होंने इन सभी एग्जामिनेशन की भी तैयारी की। तो हम लोग इस जो पूरा हमारा सेशन आज का रहेगा, इस सेशन में हम लोग कोई इंटरव्यू सेशन इसको नहीं ले रहे हैं, बट रेदर एक जनरल डिस्कशन सेशन होगा, जैसे कि हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे किस तरह से हुआ, क्या क्या हुआ। मैं इसको किसी इंटरव्यू की तरह से नहीं देख रहा हूँ, बट आई होप कि ये जो सेशन आज का रहेगा ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके सो मैम, शुरू से करते हैं, जैसे आपने अपनी एमटेक 2014 में किया था, राइट? तो उसके बाद फिर आपने क्या किया एमटेक के बाद? बेसिकली मैंने पहले 2011 में बीटेक पास आउट किया। मेरा फैमिली कंडीशन कुछ अच्छा नहीं था, तो मैं एमटेक करना चाहती थी, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मैं नहीं कर पाए। देन आई गो फॉर अ जॉब इन IG कॉलेज इन कैथल। उसके बाद देन आई प्रिपेयर फॉर गेट एंड आई क्लियर गेट इन इन फर्स्ट अटैम्प्ट इन 2012। देन आई गोट अ स्कॉलरशिप and then I pursue my MTech, but due to some reasons I have to do marriage in 2013. There is also some constraints of financial. So my husband said ki okay, you can carry on MTech, but you have to prepare for government job. Then I start for banking from 2014. Then I continue my preparation up to 2016, but due to I do not get a success by
इट्स अ लक और इट्स माय हार्ड वर्क इट्स इट इज इट कैन बी एनी रीज़न कि मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही थी तो मैं बिल्कुल ना लॉस हो चुकी थी कहीं पे क्योंकि बिकॉज आई एम वेरी ब्राइट स्टूडेंट कि मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ तो मुझे लगा कि ना शायद जिस रास्ते में जाना चाह रही हूँ वो रास्ता मेरे लिए ठीक ही नहीं है जब मुझे टर्म्स ही नहीं क्लियर हो रही किसी चीज़ की तो मैं कैसे उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ और मेरा बहुत लंबा गैप हो चुका था स्टडीज़ के बाद 14 से लेके 16 तक 2 years मतलब जिसमें मैंने कंप्यूटर्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया देन आई थिंक कि मैं करूँ क्या अब देन आई थिंक कि मेरे ब्रदर मुझे एक दिन जनरल डिस्कशन में कहता कि यार तू सिर्फ एक ही काम कर सकती है टीचिंग उसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकती मैंने कहा अच्छा ठीक है देन मैंने फिर से अपना मन बनाया लेकिन मुझे कुछ चाहिए था जो मुझे एक बार तो बूस्ट कर सके एक बार चैनलाइज कर सके कैसे करना है देन आई फॉलो द यूट्यूब चैनल्स देन आई कम टू नो अबाउट द डीजी अबाउट योर चैनल एट दैट टाइम आई थिंक देर वॉज नो नेम ऑफ योर चैनल स्टार्टिंग अबाउट कोई नाम नहीं था देन आई कॉन्टेक्ट एट योर ऑफिस Then I came to know about your procedure. It's very good in contact with you. आपने मुझे मतलब proper help किया हर तरीके से और आपकी जो videos थी बहुत अच्छी थी और उसके बाद आपके test series, आपके जो doubt sections थे वो भी बहुत अच्छे थे तो सबसे पहले मैंने आपका जो computer का ही course लिया था क्योंकि मेरा first target था teaching के exams को clear करना और यू जी सी नेट मैंने आपके साथ ही क्लियर किया फर्स्ट मैंने अटैम्प्ट दिया नवंबर 2017 में उसमें मैं एक नंबर से रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देन अगेन विद योर गाइडेंस एंड विद योर सपोर्ट आई क्लियर इन जुलाई 2018 फर्स्ट अटैम्प्ट इन असिस्टेंट प्रोफेसर देन अगेन इन योर गाइडेंस आई क्लियर सीटेट आई फॉलो That's great. हाँ दे उसके बाद मतलब हमने KVS PGT भी क्रैक किए जैसे मैंने पहले आपको बताया है ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज और काफ़ी सारे लिंक्स फॉलो करते हुए किए हैं जैसे मैंने आपके चैनल्स में कुछ टीचर्स को फॉलो किया डीजी मेंटो से सर मैंने सबसे पहले कंप्यूटर सेक्शन में कंप्यूटर सेक्शन के लिए आपकी वीडियोस जो भी टीचर पढ़ाता था सारी फॉलो करी हैं डे टू डे जो उसमें टीचर्स कहते थे कि इतना टाइम देना चाहिए इतनी बार रिवाइज करना चाहिए वो सब मैंने किया उसके बाद आपके CDP वाले मैम थे नाम नहीं पैडागोजी की मैम थे उनकी मैंने वीडियोस ली हैं नेक्स्ट एक हिंदी के सर थे अंकित सर शायद उनका मैंने देखा था और आपसे जैसे आपका शायद कोई GK का उस टाइम वीडियोज़ नहीं बन रही थी तो आपने मुझे उसमें भी बहुत हेल्प करी है जैसे आपने मुझे बताया कि कौन सी मैगजीन्स आप पढ़ सकते हो कौन से न्यूज़पेपर्स आप फॉलो कर सकते हो तो मतलब जो सब कुछ जो भी हुआ जो जर्नी चली वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस के कारण चली है मतलब जो मुझे आया बेसिकली जो भी मैंने गेन किया सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस की वजह से हुआ उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि देखो आपकी गाइडेंस तो थी ही थी अगर मेरी फैमिली मुझे कोऑपरेट ना करती तो शायद ये चीज़ें नहीं बन पाती बिकॉज जैसे मैं शादी से पहले की बात करती हूँ आपसे तो 2012 में मैंने गेट किया मम्मा थे पापा थे कोई दिक्कत नहीं थी मतलब सब कुछ घर पे बना हुआ मिलता है हमें सब पढ़ना होता है जब हम अनमैरिड होते हैं लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं बच्चे होने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ती हैं ठीक है ना जब मेरी बेटी अब 5 साल की है मतलब हमें पता है कि वो हमने कैसे टाइम काटा है उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ कोऑपरेट किया मैंने अपने बच्चे से कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया है हर जगह पे मैंने मतलब उसको थोड़ा मतलब उसको डिपेंड किया अपनी मदर पे और मेरी मदर ने पूरा मुझे सपोर्ट किया मदर इन लॉ ने कि ताकि उन्होंने मुझे हमेशा बूस्ट किया है कि तुम पढ़ो अगर तुम इतना पढ़ी हो अगर तुमने जॉब ही नहीं करी तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ाई का मतलब सिर्फ तुम घर के लिए घर के अगर घर पे ही रहना था तो क्या फ़ायदा तो उन्होंने मुझे प्रॉपर चैनलाइज़ किया मेरे हस्बैंड तो एक तरह से मेरी ढाल है अगर वो तो मतलब ऐसे बंदे हैं अगर मैं कभी डाउन हो जाती थी ना वो मुझे कभी डाउन नहीं होने देते थे कभी भी उनको मुझसे ज़्यादा रहता था कि कौन सा फॉर्म भरना है कौन सा नहीं भरना है मैं कहती थी नहीं ये नहीं होगा वो कभी मुझे डिनाई नहीं किया वो मेरे लिए सबसे लड़ लेते हैं कि हाँ इसको पढ़ना है इसको कुछ बनना है कुछ कारणों से हम थोड़े हमारी शादी जल्दी हो गई है लेकिन अब हमें कुछ करना है क्योंकि बहुत कुछ होता है जो आपको लाइफ में करना पड़ता है क्योंकि आपको आजकल सब कुछ फाइनेंशियली मैटर करता है स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में और इसके लिए गवर्नमेंट जॉब तो मस्ट है लेकिन हम ये सोचें ना लड़कियाँ की शादी हो चुकी है अब नहीं होगा नहीं होगा आप अपने आप को अपना टाइम टेबल मैनेज करो
आप अपने हस्बैंड के साथ कोऑपरेट करो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, वो भी आपको सपोर्ट करेंगी। अगर आप उनके अगेंस्ट होके होते हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी पॉजिटिव रहो, वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। आप उनको मनाओ, वो आपको मनाएंगे, वो आपके साथ फुल सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो टाइम मैनेजमेंट होती है, कोऑपरेशन होता है फैमिली का, और जो गाइडेंस होती है वो सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल। और आपका हार्ड वर्क तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी नोट पे जस्ट फॉर एक पर्सनल थोड़ा सा मैं आपको मैम के बारे में बता देता हूँ कि मैम जो है हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और हरियाणा में ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि वो फीमेल जो होती है हरियाणा में, उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। तो एक तरह से जो इनका एक एग्ज़ाम्पल है वो एक बहुत बड़ी मिसाल भी है, क्योंकि हरियाणा जैसे एक हरियाणा एक स्टेट है, यहाँ पर एक तो इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत मतलब इतना पॉपुलर नहीं है। इंटरकास्ट मैरिजेस यहाँ पर जनरली नहीं होते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इंटरकास्ट मैरिज, प्लस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ लव मैरिज। तो मैम की जो है वो लव मैरिज हुई थी व्हेन शी वाज योर एमटेक ड्यूरिंग टेक टाइम। तो जब मैम एमटेक में थी तब उनकी लव मैरिज हुई थी, एंड दैट टू एन इंटरकास्ट मैरिज। और ये चीज़ें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर इंटरकास्ट मैरिज करना, इट्स अ ह्यूज ह्यूज चैलेंज, बिकॉज आप यहाँ पर फैमिली का आपको सपोर्ट चाहिए, फैमिली के अलावा फिर आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, दूसरों की उनकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, दोनों फैमिलीज़ का सपोर्ट होना चाहिए। और फिर फैमिली का सपोर्ट होने के बाद भी अगर आप शादी के बाद इस तरह की अचीवमेंट्स आप लेते हैं, शादी के बाद आप इतने सारे एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है जब आपकी शादी होती है, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। और शादी के बाद अगर आप इस तरह के एग्जामिनेशंस को क्रैक करते हैं, जैसे कि मैम ने अभी PGT एग्जामिनेशंस का क्रैक किया, अभी मैम का सेंट्रल इंडिया में यानी कि मध्य प्रदेश में इनकी पोस्टिंग आई है मैम की, उसके अलावा सभी UGCET एग्जाम्स को क्रैक किया, विच इज़ यू नो वेरी कमेंडेबल। ऐसा होना और ऐसा करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट यू नो टास्क है, और ज़्यादातर बच्चों को देखा जाता है कि इट्स मतलब इतना इजी नहीं है ये सब चीज़ें, है ना। तो मैम अभी आपने जैसे UGCET का आपने एग्ज़ाम दिया था, तो सबसे पहले हम पिछले एग्जामिनेशन से आते हैं। आपने लास्ट अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर में, आपने वो एग्जामिनेशन दिया था, और yes, उससे पहले फिर आपने लास्ट ईयर जुलाई का एग्जामिनेशन दिया था। तो आपने पहले जुलाई वाला एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो वो सबसे पहला एग्ज़ाम था जो आपको क्रैक हुआ, राइट? तो जो क्रैक हुआ वो जुलाई वाला सबसे पहला था। उससे पहले आपको कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, तो उससे पहले आपने बैंकिंग के एग्जामिनेशन आपने दिए थे, राइट? और बैंकिंग के अलावा आपने UGCET भी पहले भी ट्राई किया आपने? सर उससे पहले मैंने एक बार किया था जब मैं एमटेक कर रही थी जी, तब। अच्छा, तो मतलब आप पिछले 5 सालों से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस समय प्रिपरेशन आपने बैंकिंग के एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करी है। मेरा ट्रैक डिफरेंट था थोड़ा सा, अब मेरा टीचिंग का ट्रैक आ गया था, मुझे समझ में आ चुका था कि मैं टीचिंग ही कर पाऊंगी, राइट? तो जब आपने जैसे लास्ट ईयर जुलाई का एग्जाम क्लियर किया था, तो उसमें आपने कितने महीनों की प्रिपरेशन आपको लगी थी? क्योंकि काफ़ी बच्चे देखते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रिपीट ही करते रहते हैं। तो अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता पूछूं कि आपने जो लास्ट ईयर जुलाई का एग्जाम क्लियर किया था, तो जनरली कितने महीनों की तैयारी की जरूरत है UGCET का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और किस तरीके से बच्चों को पढ़ना चाहिए? जी सर, बेसिकली मैंने जब आपका चैनल सब्सक्राइब किया था और आपसे जैसे आपके स्टडी पैकेजेस लिए थे, इट इज़ अराउंड अगस्त 2017, देन आई प्रिपेयर फॉर 4 मंथ्स एंड आई गिव द एग्ज़ाम ऑफ दिसंबर 2017, देन आई लूज बाय 1 mark इन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, देन आई प्रिपेयर वंस अगेन आफ्टर सम टाइम इन अगेन उसके बाद आपने ब्रेक बिकॉज या बिकॉज आई थिंक आई होप ना कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया मेरा किसी कारण से। और उसके बाद सर मैंने शुरू किया इन मिड ऑफ जनवरी वंस अगेन सर। उसके बाद मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, मेरा इतना बैड लक था कि ठीक है। और उनकी अप्रैल में डेथ भी हो गई पिछले साल, अप्रैल 2018 में। तो सर आप समझ सकते हो कि 2-3 महीने मेरे फिर से रून हो चुके थे प्रॉपर, क्योंकि मुझे मम्मी को भी संभालना था, फैमिली भी संभालनी थी, हर चीज़ थी। उसके बाद सर मैंने अगेन फिर से तैयारी शुरू करी मई जून दोनों महीने मैंने पूरा टाइम दिया अपने आप को, 10 hours a day अराउंड इन लाइब्रेरी और एट होम, मतलब जो भी आपको सही लगता हो आप वहाँ तैयारी करो 10 घंटे के अराउंड। और सर मेरा उसके बाद जुलाई में क्लियर हो गया था। मतलब आपने ये मैटर नहीं करता आप कहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं आप अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हो, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो, आप पार्क में जाके पढ़ सकते हो, कहीं पर भी आप पढ़ सकते हो। और सर स्पेशली जो मैरिड वीमेंस होती है ना, वो कहती है टाइम नहीं मिलता हमें, वो आपको टाइम मिलता नहीं है कभी भी, आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको दिन में आधा घंटा मिल रहा है तो आप आधा घंटा यूज़ करो, अगर आपको 6 घंटे मिलते हैं तो 6 घंटे यूज़ करो। वो आपको देखना है कि आपको किस टाइम सोना है, आपको किस टाइम घर का काम करना है। अगर आपको फुल ऑन सपोर्ट है ना फैमिली की, वो आपको हर तरीके से आपको भी सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको भी ये थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा
अनमैरिड वीमेंस के थॉट से जी. आप ये नहीं सोच सकते कि आपको दिन में 15 घंटे मिलेंगे जी. अगर आपको आधा घंटा भी मिलता है तो आपको उसको फुल ऑन यूटिलाइज करना है. बेसिकली मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को 5 महीने की मैंने प्रिपरेशन करी है जी. जिसके कारण से मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो गया था. लेकिन जो भी आप टाइम दो बहुत अच्छा दो. तो वैसे आपका शेड्यूल कैसा रहता था कि आप सुबह किस समय उठते थे, कैसा शेड्यूल रहता था आपका दिन? सर बेसिकली मैं जो उस टाइम समर के वीक टाइम की मैं डिस्कस करती, जब मेरा जुलाई में क्लियर होता, मैं अराउंड 5 o'clock उठ जाती थी. 5:30 में स्टार्ट कर लेती थी प्रिपरेशन. 5:30 टू 7 o'clock में पढ़ती थी, डेढ़ घंटा. ठीक है, उसके बाद मेरे हस्बैंड थोड़े लेजी हैं, वो लेट उठते थे तो वह अराउंड 7 o'clock उठ जाते थे. उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड का ये रहता था, मम्मी मेरे हस्बैंड का, कि प्रेरणा को बस फ्री करना है जल्दी से काम करवा के. उसको सब काम करते थे हम सब लग के इकट्ठे. तो हम अराउंड 8:30-9 o'clock तक सब काम कर लेते थे. 2 घंटे में घर का सारा काम कर लेते थे. नहीं तो मेरी मम्मी मुझे बाद में भी सपोर्ट करती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद सर मैं अराउंड 3-3.5 घंटे देती थी अपने आप को, 3 भी 4 भी दे देती थी सर अराउंड 1 o'clock तक. उसके बाद मेरी बेटी आ जाती थी स्कूल से, उसके बाद उसको भी टाइम देना पड़ता है बच्चे को. तो मैं 2-3 घंटे मेरे लग जाते थे उसके साथ, जैसे उसका काम, जैसे उसको सुलाने में, खाना खिलाने में. तो अराउंड में फिर से 3 o'clock स्टार्ट कर देती. मैं दिन में भी नहीं सोती थी. अच्छा. दिन में उसके बाद 3-5 पढ़ लिए, इतने वो उठ जाती थी. फिर उसको फिर टाइम देना सर. उसके बाद जैसे उसको काम करा के मम्मा के पास छोड़ दो या वो खेलने जाता है बच्चा, उस टाइम भी अपने आप को, मतलब उस काम को आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. उसको सुलाने के बाद भी मैं 1 घंटा रात को पढ़ के सोती. मतलब बेसिकली सर मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था. हम मैरिड वुमेंस का कोई टाइम टेबल नहीं हो सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हम टाइम निकाल सकती हैं, अगर निकालना चाहें तो. Exactly. मैं टाइम निकालती थी जैसे मॉर्निंग में 1.5-2 घंटा जब मेरी बेटी स्कूल जाती थी तब निकालती थी, और उसके बाद भी निकालती थी. फिर सर जब जून का टाइम आया तो मेरी बेटी की छुट्टियां हो गई, तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम 9 बजे लाइब्रेरी जाओ. ओके. मैं 9 बजे लाइब्रेरी जाती थी. लोकल लाइब्रेरी आपने? हाँ, लोकल लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी मैंने सर वहाँ पे. अच्छा. मेरे शहर में 3-4 लाइब्रेरीज हैं. अच्छा. जहाँ हम पढ़ सकते हैं, रात 24 आवर्स अवेलेबल हैं, टोटल सिक्योर हैं. अच्छा. तो और मेरे हस्बैंड का तो ऐसा था कि वो 9 बजे मुझे छोड़ आते थे. अच्छा. और 7-8 बजे लेके आते थे. अगर मे भी कभी मेरा बच्चा पीछे से नहीं रुकता, ऐसा नहीं हो रहा था कि नहीं रुक रहेगा, दादी रख लेती थी उसकी, तब भी वो मुझसे मिलने आ जाती थी. अच्छा. आधा घंटा, 1 घंटा. अच्छा. बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था. उसको मेरा माइंड सेट कर दिया था कि मैं बेटा जाऊंगी, पढ़ूंगी तो एक अच्छी ऑफिसर लगूंगी, फिर आप बाहर चलेंगे रहने. तो आज बहुत खुश है. जिस दिन मेरा नेट का रिजल्ट आया, सबसे पहले मैंने आपको फ़ोन किया था. हाँ, रिजल्ट आने के बाद. और सीरियसली ना सर, मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मुझे बिलीव ही नहीं था कि मेरा क्लियर हो जाएगा. क्योंकि इतने मेरे पास फेलियर्स हो चुके थे लाइफ में जिसकी कोई इमेजिनेशन नहीं थी. सब लोग खुश थे. जैसे मैंने आपको फ़ोन किया, अपनी मदर को. मुझे अभी याद है, आप तो रोने लगे थे. हाँ, मैं रो पड़ी थी सर. बिल्कुल ही, बिल्कुल. उसके बाद सर मैंने अपने मम्मा पापा को फ़ोन किया. जब मैंने अपनी बेटी, मेरी उस समय सोई पड़ी थी, जब मैंने उसको बताया ना, शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी. उसको ये भी नहीं पता कि नेट होता क्या है, लेकिन उसको ये पता कि मम्मी ना किसी चीज़ के पीछे लगी हुई हैं. अच्छा. लगी हुई हैं बस. आज वो हो गया है. आज मेरी मम्मा मुझे टाइम देंगी. बहुत खुश है. हाँ, आज मम्मी मुझे पार्टी देंगी. अब मम्मी का सारा टाइम मेरा है. तो मैंने काफ़ी टाइम उसका स्पेंड भी किया. अब जैसे मेरी जॉब लगी है. अब जैसे मेरा जर्नी चलता रहा, मैं तैयारी करती रही, मेरे एग्ज़ाम्स क्रैक होते गए. उसके बाद अब जैसे अब कनीशा को मैंने माइंड सेट किया था PGT देते सारी, बेटा मम्मा को ना अब ना एक ना बहुत अच्छी जगह जॉब मिलने वाली है. तब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था, बट आई एम वेरी श्योर. अब मेरे में ना ट्रस्ट, वो जो कॉन्फिडेंस था ना सर, एक एग्जाम क्लियर होता है तो फिर मेरा बिल्डअप हो गया था कि ना बस अब तो लग गई लाइन. अब तो जॉब लगेगी लगेगी. तो मैंने अपनी बेटी को जैसे कहा, तो मतलब वो बहुत खुश थी सर. बेसिकली ना पता क्या, अगर हमारी तैयारी है ना, अगर हमें फैमिली सपोर्ट कर दे और थोड़ा हम अपने बच्चे के लिए माइंड मेकअप कर लें और थोड़े से घर के काम को वाइंड अप कर लें, थोड़ा सा अपने आप को फैमिली से बातचीत करके वाइंड अप कर लें, थोड़े अपने आपके जो शौक हैं वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ कर लें थोड़े से टाइम के लिए, फिर सब अच्छा है. हाँ, सब अच्छा है. बहाना होता है कि हम नहीं कर सकते. बल्कि आपकी बातों से 2-3 चीज़ें मेरे को क्लियर हुई हैं. जैसे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की, तो वो काफ़ी टाइम लगाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल लगा देते हैं बच्चे. बट जितना मुझे समझ में आता है, जितना मेरे एक्सपीरियंस से समझ में आता है, कि आपको दिन भर पढ़ाई में लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक दिन में 3-4 घंटे आप निकाल सकते हो और 4-5 महीने तैयारी कर सकते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ.
आप 5 महीने की तैयारी में सिर्फ 3 से 4 घंटे आप दिन में निकालो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर वो आप ढंग से नहीं निकाल पा रहे, यानी कि अपने काम के साथ अगर आप जजमेंट नहीं कर सकते, उसके बीच में अगर आप कुछ ना कुछ, जैसे लोग बच्चे क्या करते हैं कि जब पढ़ने बैठेंगे तो लैपटॉप ले लेंगे या फिर मोबाइल फ़ोन ले लेंगे, यूट्यूब चला लेंगे, हाँ, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, लेकिन कोई सजेशन पर कोई वीडियो आ रहा होता है मूवी का, सॉन्ग का, तो वो उसको चला लेते हैं। तो जब आप अपने काम के साथ ही अगर आप सीरियस नहीं होंगे, उसके लिए आप जेन्युइनली आप काम टाइम डिवोट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके वो जो 5 महीने वो बढ़ के 1 साल या 2 साल भी हो जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप फोकस्ड तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर ही कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, चाहे वो गेट हो, यूजीसी नेट हो, या फिर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, मैं काफ़ी टॉपर्स के साथ रह चुका हूँ, काफ़ी टॉपर्स के साथ काम किया है, मेरे क्लासरूम प्रोग्राम में हम लोगों ने काफ़ी टॉपर से हमने बात की है, बट मैंने किसी टॉपर को ये नहीं सुना कहते हैं कि सर मैंने 2 साल 3 साल या 4 साल लगाए। सर कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। एग्जैक्टली, आपको गाइडेंस करने वाले हम सब, जैसे आपका चैनल है, आप कंप्यूटर्स के लिए वो फॉलो करो, एक सही चैनल होना चाहिए, आपका सही टाइम टेबल होना चाहिए और आप डिटरमाइंड होने चाहिए करने के लिए। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो और सोच कहीं और रहे हो, नहीं, फिर तो आपको 2 साल भी लग सकते हैं और सारी लाइफ 3 साल लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। एग्जैक्टली, तो किसी भी टॉपर से, किसी भी पर्सन से आज तक मैं जिनसे भी मिला हूँ, तो सभी का यही कहना है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 महीने की तैयारी करो, 3 से 4 घंटे डेली डेडिकेटेड डिवोट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 10 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की, तो वो चीज़ नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डेली 4 घंटे पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है, उसको कैसे भी मैनेज करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया फिर अगले 2 दिन आप बोलते हो कि 2 दिन छुट्टी कर लेता हूँ, यार पिछले 2 दिन पहले मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो डेली 4 घंटे का मतलब है डेली 4 घंटे आपको वो देने ही देने हैं, अपनी स्टडीज़ के साथ आपको जजमेंट करना ही करना है, उसके साथ आपको किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है किसी भी तरीके से, राइट। तो वो आपका पहला एग्जामिनेशन था जो आपने रिसेंट क्लियर किया, फिर उसके बाद आपने सीटेट भी क्लियर किया, तो सीटेट का एग्ज़ाम कब था आपका? सर सीटेट मेरा आई थिंक दिस हुआ दिसंबर में था, मुझे डेट नहीं याद कौन सी। ओके, तो वो दिसंबर में ही आपका जो लास्ट दिसंबर 2018, मतलब आपका जो शायद यूजीसी नेट का एग्जाम और सीटेट का एग्जाम लगभग साथ साथ ही था, सिर्फ 10 डेज का फर्क, सिर्फ 10 डेज का डिफरेंस था। शायद यूजीसी नेट का 17 दिसंबर को था, आई थिंक सर मेरा 18 को, 18 दिसंबर को यूजीसी नेट का एग्जाम था और 7th को आपका सीटेट का एग्जामिनेशन था। दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही रहता है? नहीं सर। अच्छा, ये तो सर बहुत ना डिफरेंट रहता है, क्योंकि यूजीसी नेट में तो कंप्यूटर्स आता है और पेपर वन में भी कुछ और ही आता है जो सीटेट में नहीं आता। सीटेट में सर जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट आता है हमारे पास, 2 सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस के आते हैं, आप कोई भी चूज़ करो। मैंने इंग्लिश किया था लैंग्वेज 1 में और हिंदी किया था लैंग्वेज 2 में। उसके बाद सर एक जनरल पेपर आता है, उसमें आपके पास साइंस आती है, आपके पास मैथ्स आता है और कुछ मतलब रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ भी आ सकता है आपके पास, वो सब आपको करना पड़ेगा, साइंस मैथ्स वगैरह सबका मिक्स आता है। EVS आता है सर आपके पास PRT में, एनवायरमेंटल स्टडीज। बल्कि ऐसा भी होता है, इस बार जो दिसंबर का एग्जामिनेशन हुआ है यूजीसी नेट का, उसमें सिलेबस भी चेंज हुआ था दिसंबर तो में? दिसंबर में आपका जो लेटेस्ट अभी ऐसा हुआ था कि देखो आपका जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस था, जो कि बिकॉज पहले यूजीसी नेट यूजीसी ऑर्गेनाइज करता था, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो दिसंबर में ऐसा हुआ कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक नई कमेटी बनी जो कि यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करेगी। तो अब से जो एग्जामिनेशन वो यूजीसी नेट के नाम से नहीं जाना जाता, अब वो एग्जामिनेशन होता है NTA नेट। तो जब NTA नेट इस पिक्चर में आया तो उन्होंने सिलेबस के अंदर जो पेपर का जो पैटर्न था उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि काफ़ी ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ से सिलेबस में मेंशन थे लेकिन क्वेश्चन नहीं आते थे सर, बिल्कुल। जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग एक पोर्शन है, मोबाइल कंप्यूटिंग से कभी क्वेश्चन नहीं आते थे, आपके हडूप से कभी क्वेश्चन नहीं आते थे, बिग डेटा से कभी क्वेश्चन नहीं आए, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जहाँ से कभी क्वेश्चन आए ही नहीं, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। लेकिन जब जैसे कमेटी चेंज हुआ, जब NTA हुआ, तो NTA ने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सिलेबस को चेंज कर दिया। अब NTA ने 10 यूनिट्स को बनाया है और हर एक यूनिट से आपके 10 नंबर का पेपर आएगा। यस सर। तो आपके 10 यूनिट्स है, आपको एटलीस्ट क्लियर करने के लिए 8 से 9 यूनिट्स आपको करनी ही करनी है। चाहे 10 के 10 यूनिट आप शायद ना करो, मुश्किल हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन 8 से 9 यूनिट तो आपको एटलीस्ट करनी ही करनी है, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 60% मार्क्स के आसपास आपकी रहती है। तो सिलेबस चेंज से पैटर्न थोड़ा सा और रिफाइंड हो चुका है, थोड़ा सा बेटर पैटर्न हो चुका है इस समय पर, और आई थिंक अब एग्जाम क्लियर करना पहले से थोड़ा सा इजी हो चुका है, क्योंकि आपका सिलेबस बेटर तरीके से डिफाइंड है। सर बिल्कुल, सिलेबस बिल्कुल बेटर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, पहले सिलेबस स्ट्रक्चर नहीं था। पहले तो ये था कि सर जैसे कि ना किसी भी पार्ट में से कुछ भी आ जाता था, कोई श्योर नहीं था कि क्या पता इस बार कोई एक सब्जेक्ट आ गया, अगली बार दूसरा पूछ लिया, फिर अगली बार उससे अलग पूछ लिया,
तो इसलिए हमें ना सारा सिलेबस पता ही नहीं होता था क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन इस बार जैसे आप बता रहे हैं कि 10 चैप्टर्स में डिवाइड हो चुका है, तो 10 यूनिट्स में डिवाइड हो चुका है सिलेबस और हर एक यूनिट में से फिक्स है कि 10 नंबर का आपको पेपर आएगा। हां जी, तो अब तो बिल्कुल फिक्स्ड है कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, किस तरीके से आप वो चीजें बहुत ईजी हो चुका है, पहले इतना ईजी नहीं था एग्जामिनेशन को क्रैक करना, राइट। तो उसके बाद फिर आपने यूजीसी जब आपने क्रैक किया उसके बाद, अच्छा जो काफी बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने लिया था, आपको सर्टिफिकेट के बारे में पहले थोड़ा सा इश्यूज आपको आए थे सर, हाँ तो किस तरीके से सर्टिफिकेट आप अगर बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा उससे सर। बेसिकली ना जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना, तो मैं थोड़ी शायद लापरवाह थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि जैसे हम कभी भी किसी, मान लो आपके 2-3 ईमेल आईडीज हैं, आपने कोई एक भर दी उस टाइम पे, ठीक है, कोई और आपके पास 2 नंबर्स हैं आपने वो भर दिए, और उस टाइम आप जब आपका सर्टिफिकेट लेने का टाइम आया तो आप भूल गए कि कौन सा था, या पासवर्ड भूल गए, ठीक है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई इस चीज़ में दिसंबर में, जैसे हमारा पेपर सॉरी जुलाई में मेरा पेपर क्लियर हुआ, आई थिंक नवंबर में सर्टिफिकेट आ चुका था और मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे को मैं ना मुझे पता ही नहीं था कैसे करना है, और मेरा बार बार दिखा रहे थे कि यूज़र नेम इनकरेक्ट, पासवर्ड इनकरेक्ट। देन मुझे मैंने धीरज सर से गाइडेंस ली, तो धीरज सर ने मुझे समझाया कि कैसे कैसे करना है, और उस टाइम मुझे पता लगा कि जो मेरी ईमेल आईडी जो मैं दे रही थी करंटली यूज़ करी थी वो ही गलत थी। अच्छा। उस टाइम मैंने कुछ और फिल किया था और वो वहीं से ही होगा। Okay. तो फिर मैंने अपनी तीसरी ईमेल मतलब दूसरी ट्राई करी, फिर तीसरी ट्राई करी, तो जाके मुझे पता लगा। मतलब जो भी आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसको ढंग से भरो, मतलब अपनी ईमेल आईडी ध्यान से जो आप करंटली यूज़ कर रहे हो वही, और अपना फ़ोन नंबर भी वही दो जो आप यूज़ करते हो, यानी कि रैंडम चेंज करते रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, दिक्कत प्रॉब्लम आएगी, राइट। फिर उसके बाद आपने पीआरटी का एग्जामिनेशन दिया था ना, पीआरटी और आपका पीजीटी का एग्जामिनेशन था, तो इनमें सिलेबस में कितना डिफरेंस रहता है, जैसे कि ऑब्वियसली मैंने पढ़ाया तो सर पीआरटी एंड पीजीटी आर वेरी वेरी डिफरेंट, राइट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर। पीजीटी में तो आपका सब्जेक्ट आता है मैक्सिमम, पीआरटी में आपका सब्जेक्ट नहीं आता, पीआरटी में डिफरेंट डिफरेंट आपके सेक्शंस चेक होते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो उनका कट ऑफ जाता है वो बहुत हाई जाएगा, अगर आप सोचोगे कि सिर्फ आप एक सेक्शन तैयार कर लो तो काम नहीं बनेगा। पीजीटी भी आपके पास आपका सब्जेक्ट आएगा, वो ज़्यादा सेक्शन नंबर का आता है, जिसे अराउंड 60 मार्क्स का आता है, उसके बाद मतलब बहुत डिफरेंस, हम ये नहीं कह सकते कि सिमिलैरिटी है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो आपने यूजीसी नेट की तैयारी की थी लेकिन आपने शायद पीजीटी की इतनी डेडिकेटली तैयारी नहीं की थी, राइट। तो पीजीटी का थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता है, वहाँ पर आपका कुछ मुझे बता रहे हो भी कि फोटोशॉप आता है, मल्टीमीडिया आता है, वीबी आता है, एक दो सब्जेक्ट्स और भी आते हैं जो आप यूजीसी नेट में नहीं पढ़ते, तो आपको वो पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप पेपर दोगे ना तो उसमें एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा, तो मतलब आप कुछ भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक एक नंबर का ही तो है, नहीं, वो एक नंबर आपको नॉर्थ से कहीं और पहुँचा देगा आपके प्रेफरेबल जोन से, तो आपको मतलब एक एक नंबर के लिए हम फाइट करना है, तो आपको एक एक टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, right. हर चीज़ का। तो मैंने जैसे इसके लिए आपकी वीडियोस आई थी वो फॉलो की थी सर, right. अभी जस्ट फॉर सभी बच्चों को मैं बताता हूँ कि पीजीटी का जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और जो पीआरटी एग्जामिनेशन होता है वो 5th क्लास से नीचे वाले बच्चों के लिए होता है, और एक टीजीटी एग्जामिनेशन होता है जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास वाले स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, 6 से 8 तक केवीएस के स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब जो पीजीटी एग्जामिनेशन है थ्रू आउट द कंट्री लाखों बच्चे उस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं, इवन कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन के अंदर भी हज़ारों बच्चे हैं जो मतलब मोर देन 20-30,000 बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हैं। तो मैम आपका रैंक क्या था जब आपने एग्जामिनेशन दिया, तो आपका रैंक क्या रहा था उसमें? सर जब मेरा रैंक 22 आया था, आपका रैंक ऑलरेडी 22 था, 22 आया था, और फिर आपने जब वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू में शायद कुछ बच्चे नहीं आए थे, कुछ बच्चे सर वहाँ नहीं आ पाए थे, उनके कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो सर उस टाइम मैं 17th रैंक पे थी। तो आप मतलब ऑल ओवर आफ्टर द इंटरव्यू आप ऑल ओवर 17th रैंक पर वहाँ पर थे, तो उसके बाद फिर आपको इन इंटरव्यू फिर आपको जो सर्कल मिला है वो आपका सेंट्रल सर्कल में आपको मिला है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ओके, तो उसमें से सर मेरे यहाँ हम अराउंड 6 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे 17 में से, जिनमें से 4 तो जम्मू पोस्ट हुए,
मेरे फ्रेंड्स, एक चंडीगढ़ पोस्ट हुई है और मैं सेंटर में हुई। सो मैम, आपने जो अभी आपका इंटरव्यू हुआ था, पीजीटी का इंटरव्यू अलग हुआ था और पीआरटी का इंटरव्यू अलग हुआ, तो दोनों के एक्सपीरियंसेस काफी अलग रहे होंगे। सर, बहुत ज्यादा अलग होते हैं दोनों। तो पहले पीआरटी के बारे में बताओ कि पीआरटी के बारे में आपका इंटरव्यू कैसे रहा था, क्या क्या खतरे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे और आपका अब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पीआरटी के इंटरव्यू के लिए? ओके सर, मेरा पीआरटी का इंटरव्यू गुड़गांव में हुआ था। ठीक है, 27th of February को मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी 8:30 वाली और मेरा उस टाइम सेकंड नंबर था इंटरव्यू में। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, रीज़न बीइंग कि मैंने कभी पीआरटी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं श्योर थी कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ तो मैं एक अच्छा इंटरव्यू देके आऊँगी। ठीक है, तो जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि यू आर बीटेक, यू आर एमटेक, यू आर यूजीसी नेट, देन यू आर सीटेट, देन यू आर क्वालिफाइड पीजीटी, देन यू आर गो फॉर पीआरटी, हाउ कैसे करोगे आप, ये तो ट्रैक ही डिफरेंट हो गया मैम। तो मैंने कहा कि सर मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए और टीचिंग ही चाहिए, तो चाहे मुझे पीआरटी पढ़ाना पड़े चाहे मुझे पीजीटी, मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे फिलहाल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तो आपका दोनों ही क्लियर हो गया था आफ्टर इंटरव्यूज, आपको पीआरटी का भी ऑप्शन था आपके पास और पीजीटी का भी ऑप्शन था। तो सर अभी पीआरटी का रिजल्ट वेटिंग में है लेकिन मेरा हो जाएगा, मैं श्योर हूँ उसके लिए भी। सर उन्होंने सबसे पहले मुझसे यहीं पे मेरा को थोड़ा डाउन कर दिया लेकिन मैं डाउन हुई नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मैं टीचिंग कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे ना टीचिंग के अलावा कुछ नहीं आता, तो मुझे करनी तो टीचिंग ही है और मैं बीइंग अ मदर जब मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ तो मैं और बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उन्होंने जैसे मुझसे मेरा बायोडाटा चेक किया, वो एक फॉर्म देते हैं तो आपको फॉर्म में सब कुछ लिख के जाना पड़ता है, तो उसमें एक वो कॉलम देते हैं सुटेबिलिटी टू दी पोस्ट, तो उनमें मैंने लिखा कि आई वॉन्ट टू बी अ फैसिलिटेटर, तो उन्होंने ना उस वर्ड को उठा लिया, कहते एक्सप्लेन करो मैम इसका क्या मतलब है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया अपनी वर्डिंग में, कहते ओके आपका आपने इसी वर्ड के ऊपर अपने आप को प्रूफ करो। तो मैंने उनको डेमो दिया अपना टीचिंग डेमो, आपका जो डेमो होता है ना मैम सर, जो डेमो लेते हैं केवीएस में, मैंने दोनों में देखा है कि वो आपकी मर्जी का होगा, कभी बहुत रेयर आपको कहते हैं कि आप इस टॉपिक पर पढ़ा के दिखाओ, अगर आपको वो अपना टॉपिक देते हैं तो आप उनसे टाइम ले सकते हो कि सर मुझे 2-3 मिनट दो मैं तैयार करती हूँ। तो उन्होंने मैंने उनको टॉपिक बताया तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, वो मुझसे बहुत खुश थे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप ना मुझे वो एक मैम कहती हैं कि ना मुझे ना समझ नहीं आया आपका पढ़ाया हुआ, तीनों सर खुश थे, चार जने थे तो तीन बहुत खुश थे, एक मैम कहती हैं नहीं नहीं अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा फिर क्या करोगे आप, मैंने कहा ओके वी ट्राई अनदर मेथड। तो मैंने उनको एक गेम के थ्रू करवाया सर, बेसिकली मैंने एक टॉपिक लिया था एलसीएम छोटे बच्चों को लिए, तो हमने पहले मैंने एलसीएम उनको स्टोरी के थ्रू समझाया, उसके बाद मैंने उनको एक गेम करवा के समझाया, वो खुश थे। तो जैसे कुछ पोस्ट हैं जहाँ पर बीएड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने इससे पहले बीएड भी किया सर? आपने बीएड भी पीआरटी के लिए सर बीएड या तो बीएड हो आप या जेबीटी हो, इस बार से इन्होंने बीएड वालों को भी चांस दिया है पीआरटी में। तो आपने एमटेक के दौरान बीएड किया था, एमटेक के बाद आपने बीएड किया, यानी कि आपने पहले बीटेक किया फिर एमटेक किया फिर आपने बीएड किया और बीएड के बाद भी आपने कुछ किया है या फिर? नहीं सर, बस बीएड तक किया आपने। और पीजीटी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था पीजीटी में? आपने पीजीटी का एक्सपीरियंस सर, पीजीटी का सर बहुत ठीक रहता है एक्सपीरियंस अगर आप उसके लेवल के हो तो। उन्होंने मुझसे कुछ जैसे उन्होंने पहले मेरा इंट्रो लिया, इंट्रो लेने के बाद वो मुझसे मेरे एकेडमिक से खुश थे क्योंकि मेरा एकेडमिक ठीक था, फिर उन्होंने नेट देखा 2 times था, गेट क्वालिफाइड हूँ मैं, तो वो इन सब चीज़ों से ठीक थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहीं वर्किंग में हो, मैंने कहा हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ क्या पढ़ाते हो आप, तो मैंने वह सब्जेक्ट्स बताए जैसे मैं वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर ले रही हूँ, C++ ले रही हूँ, कहते ओके गिव मी द डेमो, मैंने डैमो शुरू किया। हम जैसे हम सोच भी नहीं सकते कि वो हमसे क्या पूछेंगे उस डैमो में, हम सबसे इजी टॉपिक लेते हैं, जैसे मैंने स्टैक लिया था कि मुझे लग रहा था कि स्टैक में क्या पूछेंगे, कुछ भी नहीं, पुश एंड पॉप पे ख़त्म कर देंगे हमें, वो पुश पॉप पे ख़त्म नहीं करते वो। आप जब डैम इंटरव्यू देने जाते हो ना, जो भी आप सब्जेक्ट बोलते हो उसमें आप मास्टर होने चाहिए, आपको कंप्लीट DS आनी चाहिए, कंप्लीट C आनी चाहिए और कंप्लीट C++, मतलब आपको लैंग्वेज की कमांड होनी चाहिए तो ही बोलने का फ़ायदा है। उन्होंने मुझसे स्टैक का मैंने बेसिक शुरू ही किया था, कहते ओके राइट द एल्गो ऑफ पुश, इट्स वेरी इजी, आई विल राइट, देन पोप आई राइट अगेन, देन से टावर ऑफ हनॉय, ओके देन आई स्टार्ट राइटिंग वेरी कॉन्फिडेंटली इन, तो उसके बाद मुझे कहते हैं कि ओके टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, कौन से वेरिएबल्स को आप लोकल लोगे, कौन से वो ग्लोबल लोगे, क्यों लोगे भाई, इसको क्यों नहीं लेते, मतलब उनके जो क्वेश्चंस है ना आप ये नहीं सोच सकते कि इजी होंगे, वो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, वो ये नहीं पता, आप सोच नहीं सकते कि वो कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे बात को, मतलब इंटरव्यू में आपके
पूरा कॉन्फिडेंस चेक होगा और आपके सब्जेक्ट चेक होगा जाके। वैसे ये बहुत ही कम मैंने देखा हुआ है कि काफी कम फीमेल टीचर्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट को ज्यादा लेती हैं, काफी कम होते हैं। तो एटलीस्ट आपका जो सबसे कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट था तो मैंने प्रोग्रामिंग लिया था। और जैसे मैंने और टीचर्स का देखा था वहाँ पे, जैसे मेरे और फ्रेंड्स भी गई थी जो वहाँ पे कलीग्स थी, उन्होंने सर जो सब्जेक्ट लिया था, एक ने सिक्वल लिया था ठीक है, और सर एक ने ओएस उठाया था हमारे में से। और सर मतलब डिपेंड करता है कि वो आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, जो सा भी लो उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए हर तरीके से क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने मेरे से स्टैक में वेरिएबल्स ही पूछ लिया, हम सोच नहीं पा रहे थे, लाइफ टाइम स्कोप पूछ लिया से होता है, मतलब वो कुछ भी पूछेंगे आपको, बस तैयार करके जाना है। तो इस बार आपने जैसे लास्ट ईयर इस बार जो हमारा गेट का एग्जाम था, आपने गेट का एग्जामिनेशन इस बार दिया था? सर मैं नहीं दे पाई वो एग्जाम। आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया, बट मोस्ट ऑफली आपका गेट का एग्जाम लगभग क्लियर आराम से हो जाता है। हो जाता है बिकॉज़ एक लेवल की स्टडी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने भी एग्जामिनेशन है वो सभी आप क्लियर कर सकते हैं। अभी एक हमारे पास रेलवेज का एग्जामिनेशन आने वाला है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए हमारे पास जूनियर इंजीनियर का एक एग्जामिनेशन आने वाला है, उसका लास्ट मंथ, उसकी 31st उसकी एक लास्ट डेट थी फॉर्म की। तो जो बच्चे हैं वो जो जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे थे, प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के साथ कि ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वन एग्जामिनेशन, जैसे मैंने गेट के लिए मैंने एग्जामिनेशन दिया, तो मैं थ्रू आउट इन द कंट्री आपके हर महीने कोई ना कोई एग्जाम चलता रहता है, मैंने किसी भी एग्जामिनेशन को नहीं दिया। तो ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं कि अगर मैंने गेट की तैयारी की तो मैं सिर्फ गेट का ही एग्ज़ाम दूंगा, चाहे कोई और एग्ज़ाम हो जाए मैं उसको दूंगा ही नहीं ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उस पर ही फोकस करो, लेकिन जो दूसरे एग्जामिनेशन नहीं, दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है उनको छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जैसे अभी रेलवेज़ की जो हमारे पास रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, उसी तरीके से आपके पास बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की निकलती है, उसी तरीके से आपके पास टीचिंग वैकेंसी हर एक स्टेट के अंदर निकलती है। जैसे कि PGT एग्जामिनेशन मैम ने आपने KVS PGT आपने एग्जामिनेशन दिया है, केंद्रीय विद्यालय, जो एक सेंटर का एग्जामिनेशन है, उसके अलावा फिर आपके स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं। सर इसमें एक एसटेट पीजीटी भी क्लियर हुआ था जो मैंने आपको बताना मैं भूल गई। एक और एग्जामिनेशन जो है, एग्जाम इतने क्लियर कर लिए कि उनको बताना ही भूल गए 2017 का। और सर मेरा इस बार का भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि मेरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो चुकी है। वेरी गुड। तो 2019 में दिया था, मैं भूल गई सर बताना। तो आप अगर एक बार तैयारी करेंगे तो आपके सभी एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि आपका हरियाणा में एसटेट होता है, सीटेट होता है, उस तरह दिल्ली के अंदर DSSSB हो गया, यूपी के अंदर UPLT ग्रेड टीचर हो गया, फिर आपके अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर APTET हो गया, APSET हो गया, उसी तरीके से आपके पास हर एक स्टेट के अंदर दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, एक होगा सेंटर का एग्जामिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, दूसरा होगा स्टेट का एग्जामिनेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो आपको चाहे आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है UGC NET की, उसमें सब क्लियर कवर हो जाता है, उसमें आपका गेट भी कवर हो जाता है, UGC NET में आपका PGT एग्जामिनेशन भी कवर हो जाते हैं, चाहे वो स्टेट के हो सेंटर के हो, वो सभी एग्जामिनेशन आपके कवर हो जाते हैं, ज़्यादातर सभी एग्जामिनेशन आप उसको क्लियर कर पाते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फोकस उसी पे रखो, लेकिन जो आपके पास रास्ते में दूसरी अपॉर्चुनिटीज आती रहे उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा एग्जाम आपको किस समय पर क्रैक कर जाएगा और कौन सा एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैम ने पिछले एक साल में जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं सभी एग्जाम को क्लियर किया है, क्योंकि एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन के आने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो हर जगह पर जो पैटर्न है एग्जाम का, जो लेवल है एग्जामिनेशन का, लगभग सिमिलर ही रहता है। तो जो बच्चे एक एग्जाम को क्रैक करते हैं लगभग सभी एग्जामिनेशन को वही बच्चे क्लियर कर रहे होते हैं आराम से। तो आने वाले काफ़ी टाइम के अंदर भी आई एम सीइंग, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी IITs हैं, वो MTech कर चुके हैं, बट फिर भी वो एग्ज़ाम देते रहते हैं बिकॉज वो अपनी प्रिपरेशन को चेक करते रहते हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा कि आप भी काफ़ी एग्जामिनेशन को आप ऑलरेडी देते रहोगे, जो कि फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, राइट। सो मैम, जो अभी बच्चे जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, दो तरह के बच्चे हमारे पास होते हैं, एक वो जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, एक वो जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत अलग रहेगी। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जैसे कि जो पिछले एक साल से या डेढ़ साल से तैयारी कर रहा है कि उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सर उसके लिए जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जैसे मेरा दिसंबर में रह गया था एक नंबर से, तो इसमें मैंने सिर्फ 2 महीनों में उसमें सिर्फ क्या किया, हर सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा ठीक है, क्योंकि आपको आता है, आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, कुछ रह गया, कुछ लूप होल्स रह गए हैं, और उसके साथ साथ जो पिछले सालों में जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें जो उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए हैं आप उनको ज़रूर करो, चाहे वो आप मान लो आप नेट का पेपर दे रहे हो, लेकिन आप नेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, आप गेट के भी देखो, आप इसरो के भी देखो, DRDO के, मतलब उस आपके कंप्यूटर डोमेन के जितने भी पेपर्स हुए हैं सबके सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करके जाओ, उससे आपको बहुत आइडिया और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बूस्टअप हो जाता है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं। और आपका DRDO के क्वेश्चन जो है या फिर आपके इसरो के जो क्वेश्चन पेपर है वो गेट के लेवल का। और सर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जब मैंने
फेलियर के बाद सीखा, तो मैंने ना सर जैसे यूजीसी नेट के पेपर्स देखे बैठ के पिछले साल के, क्योंकि तब तो मैंने रिवीजन दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम्स नहीं देखे पिछले साल के. जब मैंने एग्ज़ाम सारे इकट्ठे करे ना गेट के भी और नेट के भी, देन आई फील ना कि जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं ना उसके बाद वो नेट में आ रहे थे. वो नेट में आते हैं. हाँ. Exactly. और आपको याद होगा कि मैंने आपको स्पेशली फोन भी किया था कि सर मेरे को तो ये क्वेश्चंस आते ही नहीं है सॉल्व करने. हाँ, हाँ. तो आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस जैसे आपने मुझे कहा था कि आप मुझे क्लिक करके भेजो फोटोज. हाँ, हाँ, हाँ. तो मैंने आपको क्लिक करके भेजा था और कुछ के आपने मुझे आंसर्स भी दिए थे बीच में. तो मतलब वो क्वेश्चन ना मैंने तो पर्सनल एक्सपीरियंस देखा कि 10-15 क्वेश्चन ना आपको गेट के मिलेंगे ही मिलेंगे. बस उनमें सब वैल्यूज चेंज होती हैं और जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे ना वो गेट के उठाए होते हैं. एग्जैक्ट राइट. इवन आपके इसरो एग्जामिनेशन इसरो के भी आए गेट के क्वेश्चन इसरो में आते हैं और इसरो के क्वेश्चन नेट में आ जाते हैं. आते हैं सर. क्योंकि देखो जो क्वेश्चन का पूल है ना कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा. कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है. ओनली थिंग इज आप क्वेश्चंस में इधर से उधर अंदर या तो आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो. कि क्वेश्चंस तो एक ही तरह के बनेंगे ना. तो आपको कभी ये करने की जरूरत नहीं है कि सर आप मैं गेट ही करूंगा, सिर्फ उसी क्वेश्चन करूंगा, कोई और क्वेश्चन उठाऊंगा ही नहीं. तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर साइंस की तो सभी क्वेश्चंस को उठा लो. चाहे आप गेट की उठाओ, यूजीसी नेट को उठाओ, इसरो के, डीआरडीओ के, आपके ये जो सभी क्वेश्चंस के जो पेपर है वो सभी एक ही लेवल के आते हैं. इवन आपके पास एक हमारे पास पेटेंट ऑफिसर की एक एंट्री आती है जो कि उसमें भी उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर है. तो वो सब्जेक्टिव पेपर होता है आपका गेट और यूजीसी नेट आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है. तो दोनों में डिफरेंस है. बट अगेन वो कुछ पेपर भी आप करोगे तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो मैं आप सोच रही हूँ देने का एग्जाम. या आपने कल मुझे बात करी थी आपसे मेरी जो मेरी बात हुई कि मैं क्या कर सकती हूँ और हायर प्रोफाइल पे, तो मैं वो एग्जाम दूंगी. क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव और क्या सब्जेक्टिव हम लिख सकते हैं. बस थोड़ी और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो सर मेरा तो सिर्फ यही सजेशन है कि जो बच्चे फिलहाल तैयारी कर रहे हैं वो अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो और जितना हो सकता है जो आपने पढ़ा है आप पे अपने आप पे ट्रस्ट करके उसको रिवाइज करो. पिछले क्वेश्चंस चाहे वो किसी भी पेपर के हों, यूजीसी नेट के हों, चाहे केवीएस पीजीटी के हों, किसी भी तरह के हों, डीआरडीओ, इसरो, आप वो सब करो. और जो फ्रेशर्स हैं वो हर पॉइंट को, हर लेक्चर को गो थ्रू करो, एक नहीं 2-3 बार उसको गो थ्रू करो. अपने नोट्स बनाओ, पर्सनल नोट्स बनाओ. जब आप उसको दोबारा रिवाइज करो तो हाईलाइटर से मार्क करो कि आप ओ ये पॉइंट में प्रॉब्लम है. बार बार उन पॉइंट्स को रिवाइज करो, समझो. और उसी तरह से जैसे आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप जब क्वेश्चंस देखोगे ना आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है. उस जैसे आपको पता है कि जैसे एक सब्जेक्ट ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें शेड्यूलिंग का क्वेश्चन आता ही आता है. उसको पक्का करो. उसके जैसे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी क्वेश्चंस मिले सब सॉल्व करो. Exactly. और बार बार सॉल्व करके देखो ताकि आपकी जो प्रैक्टिस बनी रहे और मतलब पेपर में क्वेश्चन निकल जाए. Right. ये नहीं कि आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे हो, नहीं, एक जगह से जहाँ से पढ़ो उसको ढंग से पढ़ लो, रिवाइज करो. Exactly. अगर आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं ना सर तो प्रॉब्लम आती ही आती है. Okay. ना तो हम रिवाइज कर पाते पिछला, ना हम अगला समझ पाते. तो रिविजन मस्ट. एक ना एक मेरे पास क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का ये बार बार आता है कि सर आपने जो वीडियोज़ बनाए हैं क्या वो उतने वीडियोज़ काफ़ी हैं या उसके अलावा भी हमें कुछ मटेरियल रेफर करना चाहिए. तो मैं बच्चों को हमेशा ये सजेशन देता हूँ कि आप ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इसका नेचर ही कॉम्पिटिशन है. आप मतलब चाहे आप सिर्फ मुझसे पढ़ रहे हो, किसी भी दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, जब आपको कॉम्पिटिशन में उतरना है, आपको कॉम्पिटिशन में बैठना है, तो आपको अपने फेलो स्टूडेंट से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग जो कोर्स दे रहे हैं, आई डोंट नो, वो तो आप ही बेटर, अभी थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा बाय द वे, तो आप ज़्यादा बेटर बताएंगे. कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्स अभी हम लोगों ने बनाया है ऑलरेडी उस वो आपको आराम से एग्जाम क्लियर करा देगा. लेकिन उसके अलावा भी अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन में जो कोर्स जो स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी वो स्टूडेंट्स बाकी चीज़ें भी रेफर करते हैं. कॉम्पिटिशन इज मीन्स मतलब आपको रेस में दौड़ना है. और अगर आप एक ही टीचर से कोचिंग ले रहे हो तो आपको दूसरों से बेटर करने के लिए उनसे कुछ आगे भी निकलना है. तो इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर कि आप चाहो तो कुछ और बुक्स को या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो. मेरा सबसे अच्छा सोर्सेज जो मैं पर्सनली फील करता था कि आपकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे आपके पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में केनेथ एच रॉसन है, या फिर आपके थियरी ऑफ कंपटीशन में आपके पास पीटर लिंस है, या फिर आपके पास आप बहुत सारी बुक्स हैं हर एक सब्जेक्ट की, बहुत सारी बुक्स हैं. तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आप कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए. तो मेरा जो पहला सजेशन ये रहता है कि जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है उसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आप सॉल्व करो सबसे पहले, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा. जैसे केनेथ एच रॉसन आप लोगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, तो उसके जो एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं आप एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को उठाओ, उनको सॉल्व करो. उसको सॉल्व करने के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको चुटकियों में हो जाएगा. मतलब बहुत ईजिली आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो. ओके तो पहले बिकॉज आपने हमारे वीडियो से भी आपने स्टडी किया है, तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू फील कि सिर्फ वीडियो से जितना कवर किया हुआ क्या वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए काफ़ी है
सर वीडियोज हमारे लिए सिर्फ गाइडेंस है, ठीक है। कुछ हमारे को जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ हम अटक जाते हैं, एक बंदे से हमें कभी समझ भी नहीं आता कोई चीज़, तो मैं जैसे आपसे गाइड कर लेती कि मुझे गाइडेंस ले लेती कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो आपने वीडियोज एक वीडियो बनाई थी तो मैं उसी बुक्स को फॉलो करती थी। उन बुक्स को फॉलो करने के बाद अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं आपसे बात कर लेती थी। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मेरा जुलाई का एग्जाम हुआ उसमें मैं सी बुक यशवंत कानितकर से पढ़ती थी, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आया था बिग इंडियन और लिटिल इंडियन पे, और वो क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट यशवंत कानितकर से ही पिक किया गया था। मतलब हमें गाइडेंस वीडियो से मिल सकती है लेकिन हम सब कुछ उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें थोड़ा सा डिफरेंट होने के लिए, एक्सेल करने के लिए बुक्स को, स्टैंडर्ड बुक्स को बेसिकली रेफर करना ही पड़ेगा। नेचर ऑफ द एग्जाम, आप मतलब किसी भी, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ लीजिए, इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, इवन दो मैं खुद इस कोचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडिया में बहुत इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ, मतलब आई टीच विज मोर देन लाइक 10 से 12 स्टेट्स के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ, गुजरात, आपका कर्नाटका, बैंगलोर में क्लासेस दे चुका हूँ, मुंबई में क्लासेस होती है मेरी, इवन आपके दिल्ली में क्लासेस मैंने ली है, बट ऑल ओवर जो मुझे आज तक लाइफ में मुझे सीखने को मिला है कि आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो कि परफेक्ट हो, किसी के अंदर आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, बट मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो पढ़ाते हैं टीचर्स, जैसे हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं जो कवर कर रहा हूँ, जो मेरी टीम जो कवर कर रही है, दैट इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कि वो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे, आपको बहुत अच्छे से स्टडी कराएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इट्स ऑलवेज बेटर टू रेफर समथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन है नेचर का एग्जाम्स का, तो वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। बाकी अदरवाइज जो आप हम लोग कवर कर रहे हैं वो भी अगर आप कवर करोगे, अच्छे से कवर करोगे, तो तब भी आपका एग्ज़ाम ईजिली क्लियर हो जाएगा आपका, राइट। तो अच्छा, तो मैम जस्ट बिफोर कि अभी तो हमारा थोड़ा सा काफ़ी लेंदी इंटरव्यू भी हो जाएगा, बट अगेन बिफोर यू गो, अभी बिकॉज आज वुमेंस डे है तो, और इंडिया में इस समय पर इसकी बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो वीमेंस हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो आगे आएँ, और उनको आप कोई मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे मैसेज जो उनको मोटिवेट करें कि आप आगे बढ़ के, आपको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है, तो आज का दिन भी स्पेशल है, आज हमारे साथ आप हो, आप भी स्पेशल हो, तो आगे जो लड़कियां हैं उनके लिए आप कुछ ऐसा कुछ मैसेज देना चाहो, बिकॉज आपका जो वीडियो है वो लाखों बच्चे देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 1 लाख बच्चे, तो 1 लाख व्यूज इसके अंदर अगले पिछले 6 महीने में आ जाएंगे, तो लाखों बच्चे आपका वीडियो देखने वाले हैं, तो कुछ ऐसा मैसेज जो आप हर एक बच्चे को देना चाहो जो उनको भी हेल्प करे और फ्यूचर में सबके लिए बहुत अच्छा हो। सर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब अपने में विश्वास करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फीमेल हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बस आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है और आप अपने लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो। मेरे जो पर्सनल बैकग्राउंड, मतलब पर्सनल था कि से मैं, आपने मुझे बताया कि मेरा इंटरकास्ट मैरिज था, सब मुझसे इतने अगेंस्ट थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैंने अब अपने आप को प्रूव कर दिया है कि मैं और मेरा पार्टनर, जो मेरी चॉइस थी, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, तो मैंने, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है हमेशा। जैसे आप, मतलब अपने आप में विश्वास रखो और जो आप चाहते हो फिर वो आप कर सकते हो, और अपनी फैमिली को प्राउड फील कर सकते हो, प्राउड दे सकते हो कि हाँ, कि आपके मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा कि वो आप उनकी बेटी हो, राइट। अब जैसे मेरी मम्मी पापा आज कहते हैं कि ना ये हमारी बेटी है, जैसे वो बहुत टाइम से वो मेरे टच में भी नहीं थे, मतलब परेशान भी थे, अब वो कहते हैं कि हाँ, अब जो प्रेरणा ने किया था ठीक किया था। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने आप को किसी से कम मत समझो, आप कर सकते हो। बहुत अच्छा है। सो आई होप अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आ सके, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने जब तक हर चीज़ में लगभग कवर कर दी है कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए, किस तरह से आपको परेशानियाँ लाइफ के अंदर आती है, किस तरह से अपने आपको मोटिवेट रखना चाहिए। वैसे बाय द वे ऐसा कई बार होता है कि बच्चे जो हैं, ये कुछ मैं ऐसे पूछा नहीं, बट काफ़ी बच्चे ऐसा होता है कि वो स्टडीज़ के पीछे मोटिवेशन खो देते हैं, मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आप बहुत जल्दी बच्चे मोटिवेशन को खो देते हैं कि मतलब 2 महीने 4 महीने 6 महीने में उनको ऐसा होता है कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो बहुत एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, फुली एक्साइटेड, आप दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अचानक 1-2 एग्ज़ाम दिया, आपको लगता है यार ये मुझसे नहीं होने वाला, मैं छोड़ देता हूँ, तो उस फेज में आप क्या करते हैं, जब डीमोटिवेट होते हो तो आप क्या करते हो उस समय पर? उस टाइम मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी, क्योंकि वही मेरे मोटिवेटर थे, कि जिन्होंने मुझे कहा कि तू कर सकती है, तो मैं तब मैं उनसे बात करती थी और वो मुझे बिल्कुल मोटिवेट कर देते थे, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा है। और मैं उस टाइम को याद करती हूँ कि मैंने वो तैयारी शुरू क्यों की थी। वो तैयारी मैंने इसलिए शुरू की थी ताकि मैं अपने मम्मी पापा को
वो एक्चुअली थोड़े रूरल हैं, ऑर्थोडॉक्स थे, वो अपने ही एरिया में डोमेन में कंजर्व रहते थे कि हाँ हमसे कुछ, मेरी बेटी से कुछ गलत हो गया। क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर आज मैं कहीं सेट हो जाऊँ तो मेरे मम्मी पापा मुझ पर प्राउड महसूस करेंगे कि हाँ मैं उनकी बेटी हूँ, वो उस चीज़ से ओवरकम हो सकेंगे। और मुझे अब लगता है कि हाँ मैंने उनको ज़्यादा खुशी तो नहीं दी, वो खुशी मैंने दे दी है कि वो अब उससे ऊपर हो सकते हैं, तो मैं उसी को याद करती थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है इस वीडियो के बाद वो और भी प्राउड फील करेंगे। हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। आपकी जो बातें हैं ऑब्वियसली उनको भी मोटिवेट करेगी कि हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। और फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका वीडियो वो लोग देखेंगे तो आप पे बहुत प्राउड रहेंगे वो लोग भी, और आपने कुछ अचीव किया तो ऑब्वियसली हम सभी उस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं। बेसिकली ना अब वो इस चीज़ से खुश हैं कि मेरी बेटी, मतलब ठीक है मैं उनके पहले कभी प्राउड थी, आज भी मैं उनका प्राउड हूँ। वो थोड़े से परेशान हो गए थे, वो थोड़े, उनका डोमेन बहुत रिजर्व था और मैंने सोचा नहीं, लेकिन अब वो खुश हैं कि मेरी बेटी सेट है। जो हम सोचा करते थे अपनी बेटी से वो उसने अचीव कर लिया, और मैं उससे भी ज़्यादा करूँगी ताकि मेरे पेरेंट्स मुझ पर और भी ज़्यादा प्राउड करें और मेरे भाई बहन बहुत खुश रहे। बिल्कुल, इस चीज़ के लिए हम सबकी विशेज आपके साथ हैं। और जो आज का जो टाइम है, दिस इज़ वेरी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आज हमने ये जो सेशन है बहुत अच्छा सेशन किया है, और आई होप एवरी वन ऑफ़ यू फील मोटिवेटेड आफ्टर दिस। इस वीडियो के बाद आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, अगर आप मैम से कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं होप विश करूँगा कि मैम बहुत जल्दी हमारे साथ एक और वीडियो बनाएं। आप सभी क्वेश्चन अपने जो आप पूछना चाहते हैं सभी अपने कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, और मैं बहुत जल्दी ऐसी कोशिश करूँगा कि आपके सभी के क्वेश्चन मैं इकट्ठे करके मैं मैम को दोबारा से फिर से मैं बुलाऊँगा और फिर से दोबारा से आप सभी के क्वेश्चन को लूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम इस समय पर काफ़ी इमोशनल ऑलरेडी हो चुके हैं, और दिस इज़, मैं भी कुछ इसमें कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। तो मैम एनी लास्ट वर्ड्स फॉर द व्यूअर्स? सर मैं तो बस यही कहती हूँ कि अपने आप में विश्वास रखो, कभी लॉस ना होप करो, कभी भी कोई कुछ भी कहे, अपने टारगेट ओरिएंटेड रहो। आप तो अब ये सोचो कि आपने चीज़ शुरू क्यों की थी, किस लिए की थी, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, जिसके लिए आपने शुरू की थी ना उसी चीज़ को याद रखो। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स के लिए की, अपने हस्बैंड के लिए की, मैं, माय हस्बैंड इज माय मोटिवेटर, लेकिन मैंने किया क्यों ये काम, मैं आज भी अपने मम्मी पापा को कहती हूँ सिर्फ आपके लिए। ये आज जो जॉब करने में जाऊँगी मध्य प्रदेश में, सिर्फ आपके लिए, नहीं तो मैं अपनी फैमिली से एक दिन के लिए भी दूर नहीं रह सकती, ताकि मेरे मम्मी पापा मुझ पर प्राउड करें। बस आप वो टाइम याद रखो कि आपने शुरू क्यों किया, अपने में विश्वास रखो, सही तरीके से गाइडेंस लो और सही टाइम को चैनलाइज करो, स्पेशली फॉर मैरिड वीमेंस। अगर टाइम को चैनलाइज करना सीख लिया सब हो जाएगा। गाइडेंस आपकी जैसे किसी भी चैनल की हो वो आपकी मर्जी है, मुझे यहाँ से गाइडेंस मिली है, प्रॉपर मिली है, और मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ सर आपके सच में। और उसके बाद सर मैंने कुछ बुक्स फॉलो करी जो आपने मुझे कही, 10-20% उनका रोल है, रिविजन पेपर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत ज्यादा रोल होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन का। बस वो करते जाओ और विश्वास रखते जाओ अपने में, सब कुछ मिल जाएगा। चलो थैंक यू, आई थिंक दिस इज वेरी गुड। So thank you so much, ma'am, for being with us. Thank you, sir. And we all love you so much. And we wish you success in life. Thank you, sir. And I love you too, also, sir. Sure. ठीक है सर. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Sure. उसको remove. हाँ, done. लगभग हमारा 50 minutes cover. ठीक.